देखें जी, माशाल्लाह सीज़न के पहले पहले। अभी अनलोड हो ही रहे हैं। ये शहज़ादे भी आ गए हैं और ये मेहमान हैं हमारे, कभी आते हैं कभी फौरन चले जाते हैं। एक वो ट्रिक है और एक ट्रिक ये है कि ये इस तरह से नमक डाला, नमक डाल के खाएं, मज़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, चले आए जी, अब सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। आज सबसे पहले गाड़ी का पानी वगैरह चेक कर लेते हैं, वैसे से ये चेक नहीं किया था, वैसे तो पूरा ही होगा इंशाल्लाह, तो ये करते हैं और फिर चलते हैं आगे, अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। ले जी, अब जो है वो हम जा रहे हैं, पहले फोटर्स, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, पहले फोटर्स से शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर इंशाल्लाह करेंगे। और लैपटॉप भी मैंने पिक कर लिया हुआ है, तो ये चेक करें लाहौर की प्यारी प्यारी सड़कें आप लोग घूमें। तब तक खाने से पहले, डिनर से पहले ये बहुत ज़रूरी है, फिर छोटे मोटे इस तरह से फ्राइज वगैरह लेके, ये एक लिया, अब ये खा के। बहुत ही मज़े के, मसालेदार और क्रंची, कैचअप वगैरह डाल के अपने ही मज़ा आ गया। और ये भी साथ में लिए, डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में, बस ये है कि ये इस तरह से स्ट्रेट है, ये इतने क्रंची नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्रंची है। मज़ा दोनों का ही अपने लगा। शॉपिंग करने दें घर वालों को, हम इंजॉय करते हैं। इधर मॉल में आए हैं तो मैंने सोचा ये वाला चैलेंज भी कर लेते हैं। ये देखें एलिवेटर आ रहा है, इसमें से वापस ऊपर जाना है मैंने, ठीक है, उल्टा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा फील आता है, देखते हैं कब पहुँचता हूँ। एक एक स्टेप से तो नहीं आया जा रहा, दो दो स्टेप से पूरा कर लिया, अब इन्होंने रोक दिया। उल्टा जाए तो ये इस तरह कर देते हैं, रोक देते हैं, शायद चलना शुरू कर दे, पता नहीं, लेकिन खैर वापस अब मैं नीचे जा रहा हूँ। चल पड़ी, पूरा कर लिया ये चैलेंज भी सक्सेसफुली। डिनर के लिए हम जिस जगह आए हैं आज, ये पहली दफ़ा ट्राई करने जा रहे हैं, और वो है पैपीस, पीपी। मैं अपने भतीजे, मेरा है कज़न, सॉरी, उसको मैं पीपी कहता हूँ, पीपी,
उसको भी पीपी कहेंगे या पैपीज कहेंगे, जो भी है, पैरी पैरी देखते आज ये कैसा होता है टेस्ट करते हैं। ऑर्डर दे दिया हुआ है, अब जो आएगा वो आप लोगों को दिखाते हैं क्या है, तो इंतज़ार करें। भूख माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लग गई है, शुक्र है बीच में फ्राइज़ लेके खा लिए थे, कुछ आसरा हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ये इतना शोर कर रहे हैं। पर जब आप ऑर्डर देते हैं ना, जो मैंने ये वाला चिकन लिया है, तो इसकी ये देखिए लेवल है, इस लेवल का आप इसको स्पाइसी बना सकते हैं। सबसे पहले माइल्ड है, फिर हॉट है, इसमें कम स्पाइस होगा, फिर एक्स्ट्रा हॉट है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर एक्सट्रीम हॉट है। तो फिलहाल हमने एक्स्ट्रा हॉट किया, ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं किया, क्योंकि मम्मी भी साथ हैं, वो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे। ये जी हाफ़ ऑर्डर हमारा आ गया है, ये बर्गर मंगवाया है, साथ में ये भी है बर्गर टाइप, ठीक है, और ये फ्राइज दिए हैं, ये हैं पेरी बाइट्स, ये बड़ी मज़े की होती है, अंदर इस तरह से इसके मिर्च होती है, ये बहुत मज़े की टेस्टी होती है, मेरी फेवरेट है। दूसरा हमने चिकन मंगवाया, वो आता है तो वो भी दिखाते हैं, तब तक वेट। ये दो सॉस भी दिए हैं, गार्लिक सॉस है और ये कैचअप है, लेकिन इसका जायका बिल्कुल वैसा है, गार्लिक सॉस वाला नहीं है। ये चिकन पीस भी हमारा आ गया है और इसको खा के चेक करते हैं कैसा है, क्योंकि देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, जूसी चिकन। पीटा ब्रेड मंगवाइए, वो जब तक आती है तब तक वैसे ही ट्राई करते हैं। ये देखते हैं माशाल्लाह, इतना नरम सा हुआ हुआ है, ज़बरदस्त, तो इसको खा के देखते हैं, गर्म बहुत है। बड़ा चेंज जायका है इसका, मेरे ख्याल से कोई सॉस डाली है इन्होंने ऊपर, थोड़ा थोड़ा लेमन डाला हुआ है, बहुत मज़े का है। एक और खा लेते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। ये देखिए अंदर सॉस डाला हुआ है, वो एक बड़ा होगा, ये इस तरह से नहीं तोड़ दिया, गलत तोड़ा मैंने इसको, बस डायरेक्ट इधर से पकड़ते हैं और डायरेक्ट खा जाते हैं। अब ये अलग हो गया, वरना बहुत मज़ा आ गया, और ये काफ़ी टेस्टी है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अंडे वाला बर्गर है लेकिन ये देखते हैं इसमें क्या है, इसमें चिकन है, ग्रिल चिकन है और सॉस वगैरह है, ट्राई करते हैं। अरे बाकी जो सॉस डाली है, हैलापीनो है, ग्रिल चिकन है, बहुत मज़े का कॉम्बो है। एक बर्गर रह गया, ये भी दिखा देते इसमें क्या है, इसमें भी शायद ग्रिल चिकन है और सॉस डाली हुई है, देखते क्या है, टेस्ट करके देखते हैं। वल्ला मज़े का, बहुत मज़े का, अंदर ऐसे ऐसे थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा कोई सॉस टाइप डालिए, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। अब ज़रा टूट पड़ू खाने में, बहुत भूख लगी, फिर आपसे मिलते हैं। हर चीज़ का अपना ही टेस्ट है, मज़ा। पिटा ब्रेड भी आ गया, पिटा ब्रेड के साथ आपको वाइट बना के दिखाते हैं, इसमें ऊपर स्किन भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये चिकन का पीस लिया, टमाटर, बंद गोभी इन्होंने दी हुई है, वाइट सॉस जो दिए साथ में, तो जी अब खा लिए, अब चलते हैं वापस। केक वाला प्लान कैंसिल हो गया, एक और चीज़ माइंड में आई थी, वो खाते हैं, वो अम्मी को खिलाते हैं, स्कूपी स्कूपी आइसक्रीम, ये खाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें हमारी आइसक्रीम बन रही है, वो आइसक्रीम है, साथ में ये हमने किया है ब्राउनी विद सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम, बहुत मज़े की, इसलिए ये किया है।
ये देखिए जी, ये आइसक्रीम है और ये भी आइसक्रीम है। ये साथ में इन्होंने हमें दी है ब्राउनी, वहाँ से नज़र नहीं आ सकती थी। इस तरह से ये देंगे जी, गर्म करके दिए फुल, और इसके साथ अब आइसक्रीम खानी है। इसको रखते हैं साइड पे, ये यहाँ पर रखते हैं, इसे चम्मच निकाल लेते हैं। बहुत गर्म है ये आइसक्रीम, इसको आपने इस तरह से खाना है, पहले ब्राउनी साथ ही आइसक्रीम ली। नेचुरल रिएक्शन है ये, खा के इतना मज़ा आया। एक तरफ से गर्म, मैंने ना वो गर्म वाले को थोड़ा सा फूंक मारी कि चलो वो शायद जो है ना गर्म होगा, अंदर से जबान ना जल जाए, लेकिन वो ठंडे के साथ मिक्स हो के इतना मज़े का टेस्ट आया, ये बेहतरीन, हाईली रिकमेंडेड है, ये ज़रूर ट्राई करें। ये ईडन जाते हुए डिफेंस रोड पे शेल वाला जो पंप है ना उधर बना हुआ है, ज़रूर आके खाएं, रीज़नेबल भी है। इतना ज़्यादा मज़े का था स्कूपी डू जो हमने खाया है अभी, ब्राउनी विद आइसक्रीम, और पेरी पेरी भी बहुत मज़े का था। तो आज तो दोनों चीज़ें खाई है ना, दोनों हाईली रिकमेंडेड है, मैं आप लोगों को कहूँगा ज़रूर खाएं। ये स्कूपी डू जो ये डिफेंस रोड है, हम जाते हैं जब ईडन की तरफ आते हैं लेक सिटी की तरफ, तो उस तरफ जाते हुए रस्ते में शेल वाला जो पंप बना है उधर बना हुआ है स्कूपी डू, और पेरी पेरी तो वो शौका खानम के साथ जो गौरमे है उसके बिल्कुल साथ बना हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हाईली रिकमेंडेड हैं, इनको मैं मार्क्स दूंगा 100 out of 10, इतना मज़े का है, तो मज़ा आ गया। हॉट एंड सॉर, हॉट गरम और ठंडी चीज़ का मिला के जो मज़ा आया ना उसका अपने ही गया। यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों ने जो है वो पसंद आई वीडियो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करना है, और कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।